मोबाइल, यस आप सही हो गया, ऐसे रखो मोबाइल को। शिव यादव जी अगर आपको वीडियो ऑन नहीं करना चाहे तो ऑन करिए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे। थोड़ा आप और इधर हटके बैठो ना कैमरे के सामने। और ये सज्जन जो हैं, क्या नाम है, सहारा इन्वेस्टर जी, ये भी अपने लैंडस्केप मोड में करिए मोबाइल को। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हाँ अमीलाल जी बोलिए जी। सर नमस्ते, मैं QI नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपकी जो मेहनत या रात दिन आप लगे उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी कई चीजों के लिए मुझे हंसी आती है सर, क्या सहारा का इतना बड़ा सिस्टम और बिना रसीद के कोई पैसा ले सकता है, कई बातें मैं भी समझ के बाहर है सर, कई चीजें मेरे भी समझ के बाहर सर कि कोई बिना रसीद के कैसे पैसा ले सकता है। कई चीजें हैं जो मैं आपसे सुनना ही अच्छा लगता है, वो सुनना ही पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भी एक छोटी जगह रहता हूँ तो हो सकता है मुझे कई चीजों का पता नहीं हो, लेकिन इस बात का मुझे अचंभा होता है कि ये इतने विवेक तो होगा कि बिना रसीद के कोई कैसे पैसा ले सकता है, कैसे क्या हो सकता है, कई चीजें मेरे भी समझ के बाहर है सर। और इसके बारे में आप फोड़ कहते हो, इसका मुझे के साथ में खुशी भी मिलती है कि हिंदुस्तान में किस किस तरह के लोग होते हैं। देखो मैं कल आपकी डिबेट देख रहा था, क्योंकि कल हमारे शो पे आकर के कुछ लोगों ने दावा किया और इसके पहले भी कई बार हमारे शो पे दावा कर चुके हैं कि हेल्थोरियम का जो पैसा दिया हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। बस मैं उनको जानता हूँ जिनको मैंने पैसा दिया है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। जी सर, इसके बारे में इतना जानता हूं मैं कि हो सकता है कोई समय हो, लेकिन मुझे मुझे या मेरी ब्रांच से कोई रुपया नहीं लिया गया, मेरे से या मेरी ब्रांच ने कभी रुपया नहीं लिया। और मैंने हमेशा फोरम पे हमेशा सिस्टम को पढ़ने के बाद में पैसा लिया है, अधिकारी के बाद में पैसा होता है, दूसरी कंपनियों में काम कर रहे हो, कई चीजें इनके बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि आज आप मुझे सारा के रूप में जानते हो, लेकिन हो सकता है मैं कई कंपनियों में काम कर रहा हूँ, कई तरह के काम कर रहा हूँ, लोग सारा के रूप में गलत देख रहे हो, इसलिए सर मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरी ब्रांच से ऐसा कुछ भी नहीं है और बिना रसीद के 1995 बाद आज तक एक रुपया ही नहीं लिया। और ये मैं दावा करता हूँ कि सहारा ने कभी ये नहीं कहा कि बिना रसीद के पैसे लेना है, मैं मेरी कह सकता हूँ, बाकी क्या हो रहा सर इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन साथ में कोई ये कहेगा। देखिए मैं भी इसी बात का पक्षधर हूं कि मैं ये नहीं मान सकता कि भाई सहारा ने कभी ये कहा होगा कि बिना रसीद का पैसा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बिना रसीद का पैसा लिया, कौन लिया नहीं लिया ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा साहब, कौन लिया नहीं लिया किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो ये कैसे संभव है। तो ये इसलिए मैं इसको पुख्ता करना चाहता हूं कि क्या इसमें सत्यता है या नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे ऊपर यहाँ पर मेरे शो में आकर के बोलते हैं मैं उन्हीं से पूछूंगा ना, चौबे जी क्या क्या इसकी सत्यता क्या है, हेल्थोरियम का क्या कोई रसीद नहीं है लोगों के पास, कोई सबूत नहीं है। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम गणेश चौधरी है सर, मेरा चौबे मत बनाइए आप। हाँ गणेश चौधरी जी, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया गणेश जी, चलिए। सर अमीलाल जी के लिए तो एक गीत बहुत अच्छी तरह से सार्थक होगा कि पर्दे में रहने दो पर्दा मत हटाओ, पर्दा अगर हट गया तो भेद खुल जाएगा। तो सर बिल्कुल हेल्थोरियम वाला जो चीज है, कटियार साहब भी मुस्कुराने लग गए सर। हाँ संजय नायक आजकल नहीं आ रहे हैं, वो बड़ा मुस्कुराते थे संजय नायक जी, तो हमको उनके मुस्कुराहट से कुछ आभास हो जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, ऐसा हुआ है? जी सर, हेल्थोरियम का एक्चुअली ब्रांच से पैसा जाता था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मुख्यालय से रसीद जारी होगी, लेकिन किसी तरह का कोई कागज जारी नहीं हुआ। हालांकि मैंने इसका मेरी ब्रांच से भी इन्वेस्ट नहीं किया था और न मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा सर। लेकिन अवधेश यादव कह रहे हैं कि सब सहारा का सील मोहर लगा हुआ है, जिनको भी जिनसे भी पैसा लिया गया है वो प्लेन कागज है सर।
अच्छा व्हाइट पेपर है जिस पर प्रिंट हो रखा है, व्हाइट पेपर है सर। अच्छा राजा राम राठौर कह रहे हैं खाता ना भाई, जो सुब्रत जी बोले वही वही स्कीम से ही। अच्छा तो प्रदीप कटियार जी इसकी सत्यता क्या है बताइए, हेल्थोरियम की सत्यता क्या है? टाइम पे मैं भी रिजाइन कर चुका था एक्चुअल में, तो उसका बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, हम 2015 में रिजाइन कर चुके थे। हाँ लेकिन इतना जरूर मालूम है जो लोग चर्चा करते थे उसमें मेरा कोई पैसा निवेश भी नहीं है, लेकिन हेल्थोरियम एक जैसे बिटकॉइन जैसा डिजिटल करेंसी होती थी उसी तरह से ये उसमें पैसा लोगों का निवेश करवाए हैं। डिजिटल करेंसी के नाम पे जो पैसा लिए है या तो बहुत लोगों को दिया नहीं है कोई पेपर, और कुछ लोगों को दिया भी है तो सादे पेपर पे दिया, जैसा एक बार आपको पश्चिम बंगाल के वो सरकारी अधिकारी थे, वो कौन थे जो आपसे चर्चा कर रहे थे कि बिना पैसे के पैसा लिया गया बिना रसीद के, वो ये बात तो सही है लेकिन इतना ही ज्यादा जानकारी नहीं है। राजा राम जी जो है ये करंट तक जुड़े रहे, राजा राम जी को सर निवेदन करिए लाइव में जुड़े, ये बहुत बड़े जी, ये सर बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, इनका कम से कम नहीं तो होगा 25 से 40 40 से 50 करोड़ रुपए। राजा राम राठौर का जी 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, इनका खुद का होगा 5 से 10 करोड़ और इनके निवेशकों का भी होगा ऐसे कम से कम 50 करोड़ से ऊपर होगा। किस चीज में इनका निवेश है राजा राम राठौर साहब, अगर आप देख रहे हैं तो जुड़िए, ये लिंक हमने शेयर किया हुआ है, जरा बताइए आकर के, इतना अगर 50-50 करोड़ रुपया का निवेश है आपका तो क्या करते हैं, क्या व्यवसाय है आपका? राजा राम जी अगर सुन रहे हैं तो लाइव में जरूर जुड़े। राजा राम जी कहां से हैं? ये सीहोर भोपाल मध्य प्रदेश से। बाप रे बाप, मध्य प्रदेश में 50-50 करोड़ रुपए लोग जमा कर रहे हैं, बताइए। अच्छा अच्छा सर अम्बीलाल जी से कहिए ना अपना चेहरा तो सामने लाए कम से कम। आपने अभी गाना सुनाया ना, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और हम इनको सुना रहे हैं कि सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, ये है ये है। अच्छा सर ये पाठक जी दो लोग ना ही सामने आ रहे हैं। आदरणीय पाठक जी दो लोगों से और निवेदन करना चाहेंगे, ये लोग भी अगर शिव यादव जी हैं ये एक और सज्जन है, ये लोग भी अपना मोबाइल अगर ऐसे से ऐसे घुमा लें तो इनका भी अच्छे से दिखने लग जाएगा। यादव जी आप अपना मोबाइल को लैंडस्केप ऐसे में रखा हुआ ऐसे की जगह ऐसा कर लीजिएगा तो आपको भी सही से दिखने लग जाएगा। लैंडस्केप मोड में कर लीजिए प्लीज, ऐसे लेकर के खड़े मत हो जाइए, तभी तो ऐसे है ऐसे जगह ऐसे कर लीजिएगा मोबाइल तो आपका भी सही दिखने लगेगा। यादव जी अगर आवाज सुन रहे हो, फ्रिज हो गया ऐसे यादव जी का। अच्छा प्रदीप जी सुनिए, अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, अभी तो बस शुरू किया है मैंने, अभी तो 21 मिनट ही हुआ है। प्रदीप जी ये बताइए कि सरकार ने विज्ञापन दे दिया जी सर, सरकार ने विज्ञापन दिया कि हम पाई पाई लौट आएंगे जी सर, देखा ये विज्ञापन, इसका क्या मतलब है? इसका रिश्ता SFIO से है क्या, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से है क्या इसका रिश्ता, ये बताइए। इसका रिश्ता SFIO से बिल्कुल नहीं है। अभी जो अमित शाह जी ने झारखंड के चुनावी मौसम में जो इन्होंने कहा है कि हम लोगों का हेमंत सोरेन सरकार ने 10 साल से है इन्होंने कुछ नहीं किया सारा निवेशकों के लिए, और भाजपा सरकार इस बात की गारंटी लेती है कि निवेशकों का पाई पाई पैसा लौटाएंगे, ऐसा उन्होंने जो वहां पे कहा उसी का विज्ञापन पेपर में दे दिया गया है सर। लेकिन इसमें अमित शाह जी की ये टोटल जुमलेबाजी है सर, मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तभी भी माननीय अमित शाह जी ने ऐसा कहा था। एक मिनट रुकिए नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जी बोलो, अमित शाह जी की कोई जुमलेबाजी नहीं है, एक बात को मानिए आप, देखिए दो तीन बात पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, कैसे मैं बताता हूं आपको जी। 370 को
सरकारें आई गई, खून की नदियां बहेंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, कैसी कैसी बातें गई कही गई, खून की नदियां हालांकि अभी भी बह रही है जम्मू कश्मीर में अभी भी, क्योंकि वो जो आतंकवादी हैं अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, कही गई, लेकिन 370 हटाना, हट गया ना, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ विश्वास कीजिए इस पे, इसके लिए पाठक जी मैं भी थोड़ा एक निवेदन करना चाहूंगा। भाजपा का मैं जिस तरह से आलोचना करता हूं कोई सख्ती नहीं कर सकती, मैं करते रहा हूं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर आपको कह रहा हूं